कल रात मुंबई और राजस्थान के मैच में रोमांच ने सारी हदें पार कर दी। मैच कभी मुंबई की तरफ करवट लेता तो कभी राजस्थान की तरफ। आखिर में राजस्थान आखिरी ओवर में जीता और वो भी छक्का लगाकर। राजस्थान की इस जीत के हीरो के गौतम रहे, जिनका शायद आपने इससे पहले नाम कभी नहीं सुना होगा। के गौतम ने सिर्फ 11 गेंद पर 4 चौके और 2 छक्कों के साथ नाबाद 33 रन बनाए। मुंबई के 7 विकेट पर 167 रन के जवाब में राजस्थान ने 19 ओवर और 4 गेंद में 7 विकेट पर 168 रन बनाए और मैच 3 विकेट से जीत लिया। राजस्थान को 10 गेंद पर 22 रन की दरकार, 9 बॉल 2 रन। राजस्थान को 10 गेंद पर 20 रन की जरूरत, 2 रन। राजस्थान को 9 गेंद पर 18 रन की जरूरत, चौका। राजस्थान को 8 गेंद पर 14 रन की जरूरत, 0 रन। राजस्थान को 7 गेंद पर 14 रन की जरूरत, चौका। राजस्थान को 6 गेंद पर 10 रन की जरूरत, 0 रन, विकेट। राजस्थान को 5 गेंद पर 10 रन की जरूरत, चौका। राजस्थान को 4 गेंद पर 6 रन की जरूरत, 0 रन। राजस्थान को 3 गेंद पर 6 रन की जरूरत, छक्का। तो बेहद ही रोमांचक मुकाबला कल चेन्नई और हैदराबाद का मुकाबला भी काफी रोमांच भरा रहा। आईपीएल से जुड़ा हर अपडेट आप जरूर देखिए सुबह 8:30 बजे मेरे साथ। हर खबर की लेंगे खबर मास्टर स्ट्रोक में रात 9 बजे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।